का ये जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू सी अ टसल बिटवीन कोल इंडिया एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनीज या जुडिशियल बॉडीज इनसाइड ऑफ इंडिया और ये जो केस है आपका ये आपका क्लैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एलेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए कि इन दोनों के बीच में ये जो मामला हुआ है वो एग्जैक्टली है क्या केस के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये जो कोल इंडिया है आपकी ये एक ऐसी कंपनी है जो कि कोल का माइनिंग का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे करती है और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक आपकी जुडिशियल बॉडी है जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को इंडिया के अंदर रेगुलेट करती है इन चीजों का मतलब क्या है डिटेल में चलिए केस के अंदर समझते हैं सबसे पहले जो फैक्ट्स है केस के वो ये इस तरीके के हैं कि भाई जो कोल इंडिया कंपनी थी इंडिया की इन्होंने कोर्ट को पिटिशन करा इस बात पे कि भाई हम लोग जो है ना हम लोगों के साथ यहाँ पे ना गलत हुआ है बिकॉज हमारे ऊपर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना एक पेनल्टी ठोक दी है 1,773,00,000 की पेनल्टी ठोक दी है और ये पेनल्टी ठोकी क्यों गई है बिकॉज यहाँ पे हम लोगों के ऊपर आरोप है कि हम लोगों ने अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस पैदा करे इन फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स फॉर नॉन कोकिंग ऑयल अब ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा सुनने में मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसका मतलब यह है कि जो कोल इंडिया है उसका काम यह है कि वो इंडिया के अंदर जितना भी कोयला निकाला जाता है ना खदानों में से उसको वो सप्लाई करती है बेचती है ऐसी कंपनियों को जो कि पावर प्रोड्यूस करती है थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू या फिर स्टील की फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर जाने का अब इन कंपनियों को जब आप ये चीज बेच रहे हो तो आप उसके अंदर का प्राइस सेट करना शुरू कर दो बहुत ज्यादा आप ये देखना शुरू कर दो कि हम इसको बेचेंगे इसको नहीं भेजेंगे तो ये एक तरीके से एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है ठीक है मतलब इसका ये हुआ कि आप एक मोनोपोली स्टेट मोनोपोली हो केवल आपके पास अधिकार है कोल को रेगुलेट करने तो क्या इसका मतलब ये है कि आप जो चाहे वो करोगे आप कोई भी मनमानी करोगे ये चीज को लेकर यहाँ पे कंपटीशन कमीशन में कंपनियां गई उन्होंने कहा कि सर ऐसा हो रहा है कंपटीशन कमीशन ने कहा कि भैया देखो तुम लोग सीसीआई के जुरिस्डिक्शन में आते हो और हम लोग तुम पे वो कर रहे हैं इसको लेके ये लोग पिटीशन लेके पहुंच गए कोर्ट के पास और कहा कि भाई देखो एज अ ऑपरेटर ऑफ कोल माइंस अंडर द नेशनलाइजेशन एक्ट हमें यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर से एग्जेम्प्ट करना चाहिए बिकॉज भैया हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई एक मोनोपोली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब हमको ये पावर दिया है तो ये कॉम्पिटिशन कमीशन की क्या मतलब हिम्मत है कि हमको वो इस मामले में चैलेंज करे हम लोग तो एग्जेम्प्टेड है इस मामले में हमको आप क्यों वो कर रहे अब इस चीज को लेकर यहाँ पे अपील जो थी वो कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में थी ठीक है ये एक लेवल ऊपर जा चुका था और उन्होंने ट्राइब्यूनल ने जो अपीलेट ट्राइब्यूनल थी उन्होंने सीबीसीआई की फाउंडिंग्स जो थी कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन करा गया है कोल इंडिया के द्वारा उसको यहाँ पे अपहेल्ड करा था इन्होंने कहा था कि कोल इंडिया अपनी पोजीशन का फायदा उठा रही है मनमानी कर रही है ये ठीक है अब यहाँ पे जो फॉर्मर आपके अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल इनको तो आप लोग जानते ही हो वो यहाँ पे कोल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रमन सीसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग को ये समझना है कि केस में हुआ क्या था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन भी हम लोग देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको समझना है वो है यहाँ पे सेक्शन 2H ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट जिसमें कि एंटरप्राइज की डेफिनेशन दी गई है अब भैया देखिए ये एंटरप्राइज होती क्या बला है एंटरप्राइज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर एक ऐसी बॉडी होती है या कुछ भी ऐसी वो होती है या पर्सन होता है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि ऐसे प्रोडक्शन के स्टोरेज के सप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन के एक्विजिशन के कंट्रोल ऑफ गुड्स के उसमें है या फिर प्रोविजन ऑफ जो सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइडेड है उसके अंदर में आता है जो कि इंक्लूड करता है इन्वेस्टमेंट या बिजनेस एक्वायरिंग होल्डिंग अंडरराइटिंग या डीलिंग करना शेयर में डिबेंचर में या फिर अदर सिक्योरिटीज में ऑफ एनी अदर कंपनी ये यहाँ पे डिफिनेशन दी गई एंटरप्राइज की और अगर आप एंटरप्राइज डिफिनेशन के अंदर आते हो तो आपके ऊपर कॉम्पिटिशन एक्ट लगेगा मतलब आप सीसीआई की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हो प्लेन एंड सिंपल एंटरप्राइज का मतलब ये है हाउएवर इसके एक्सेप्शन भी हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे दिया गया है मतलब गवर्नमेंट की जो बॉडीज वो भी आती है लेकिन उनका एक्सेप्शन क्या है एक्सेप्शन इसका यह है कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड सॉवरेन फंक्शंस करती है वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दी जाएगी बट विच मीन्स कि अगर आप एक सॉवरेन फंक्शन कर रहे हो आप एक्सक्लूडेड सॉवरेन फंक्शन का मतलब क्या है सॉवरेन फंक्शन का मतलब है ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि एटॉमिक एनर्जी के अंदर नोटेड एटॉमिक एनर्जी के अंदर करेंसी के अंदर डिफेंस के अंदर स्पेस के अंदर यहाँ पर डील करते हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे अंडर द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइज और उनके ऊपर यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट अप्लाई नहीं करेगा प्लेन एंड सिंपल इसके बाद बात कर लेते हैं अगले सेक्शन की अगला सेक्शन है सेक्शन 4 क्लॉज 1 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ये सेक्शन ये बोलता है कि कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी ग्रुप
यहाँ पे अपनी डोमिनेंट पोजीशन को भी अब्यूज नहीं करेगा मार्केट के अंदर में। मतलब आप अगर मोनोपोली हो, आपके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है 90% 80%, तो आप ये नहीं करोगे कि प्राइस आपने इतनी कम कर दी, बाकी लोग भैया बिजनेस ही नहीं कर पा रहे, केवल आप ही का सामान बिके जा रहा है, ये नहीं अलाउड है। आपको कंपटीशन हिंडर करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद सेक्शन 4 क्लॉज 2 ऑफ कंपटीशन एक्ट ये क्या कहता है, ये कहता है डोमिनेंट पोजीशन भैया क्या होती है, कि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को यहाँ पे एक एंटरप्राइज एंजॉय कर रहा है इन अ रेलेवेंट मार्केट इनसाइड इंडिया। अब कोल इंडिया के मार्केट क्या है, कोल, ठीक, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। और ये फर्दर क्राइटेरिया भी बताता है कि भैया डोमिनेंट पोजीशन आप किस तरीके से डिटरमाइन करोगे कि कौन बंदा डोमिनेंट पोजीशन में है और कौन सा बंदा डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है। 4 क्लॉज 2, इसको अपने बाद पढ़ भी लीजिएगा, ठीक। इसके बाद 19 क्लॉज 4 है आपका, इसके अंदर वो फैक्टर्स दिए हुए हैं जिससे कि आप डिटरमाइन करोगे कि कोई एंटरप्राइज डोमिनेंट पोजीशन होल्ड कर रही है या फिर नहीं मार्केट के अंदर। ये क्राइटेरिया बताता है, ये आपके वो बताता है फैक्टर्स कौन कौन से कंसिडर किए जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 39B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डीपीएसपी है भाई हमारा। ये डीपीएसपी ये कहता है कि हमारा जो स्टेट पॉलिसी है, हमारा एम है यहाँ पर कि हम लोग ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, ये ध्यान रखना शब्दों का, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज को हम लोग कॉमन गुड के उसके लिए यहाँ पे देखें और वेलफेयर और सोसाइटी के हिसाब से ये सब चीजें चले, इसको हम लोग इंश्योर करें। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कानून ऐसे बनाए, ऐसे चीजों को रेगुलेट करे ताकि वेलफेयर और सोसाइटी हो, जो भी यहाँ पे चीजें हैं, जो भी यहाँ पे समृद्धि है हमारे देश के अंदर, चीजें बाकी है उनको उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ओनरशिप मटीरियल से कंट्रोल किया जाए, ठीक। 39B ये कहता है। अब ये सेक्शन आपको थोड़ा सा समझ में आ गया तो अब मैं कहानी की तरफ आगे आता हूँ कि भाई यहाँ पे हुआ क्या। अब यहाँ पे पहला जो इशू था कोर्ट के सामने भैया, सीधा सीधा यही आया कि क्या जो कोल इंडिया लिमिटेड है, क्या वो एक गवर्नमेंट एंटिटी है जो कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट के एम्बिट में आती है या फिर नहीं, और अगर नहीं आती है तो फिर उसके ऊपर क्या कॉम्पिटिशन ऑफ एक्ट अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा। तो इस चीज को देखते हुए सबसे पहले हम लोग जो कोर्ट थी उन्होंने समझाया कि भाई ये कॉम्पिटिशन एक्ट आया क्यों, ठीक है, उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए हुआ करता था मोनोपोलीज एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1969, जिसका कि काम था कि जो यहाँ पे ऐसे चीजें होती थी ना जैसे डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज और या फिर वो सब चीजें, उनको कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ पर पाया गया कि ये जो एक्ट है वो एकदम इनएडिक्वेट है, ये चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा। आपको याद होगा 1990 में एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन वाला पूरा जो पूरा सिस्टम था उसके अंदर ये वो काम नहीं कर पा रहा था। तो फिर एक कमेटी बैठाई गई, कमेटी का नाम था राघवन कमेटी, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करा इन इश्यूज को, अपनी रिकमेंडेशन दी, रिकमेंडेशन के बेसिस पे, रिपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का यहाँ पे एनएक्ट कर दिया गया। और ये जो यहाँ पे था उसका लेके पूरी जो चीज है वो भी है, आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि ये क्या होता है। सेक्शन 18 मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, जो पावर्स की बात करता है, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप कोल की बात कर रहे हो, ठीक है, कोयले की बात कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्केर्स रिसोर्स है भाई हमारा, एक रॉ मटेरियल है जिससे कि पावर प्लांटों को फ्यूल मिलता है, बाकी इंडस्ट्रीज चलती है। और जो नेशनलाइजेशन है इस पूरे इंडस्ट्री का, इन माइंस का, उसको एस्टेब्लिश करा गया था एज अ मोनोपोली जो कि वेस्टेड है कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनियां बहुत ज्यादा जुल्म ढहा रही थी वर्कर्स पे, बहुत अनरेगुलेटेड था, बहुत दिक्कतें थी, तो उसको यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के तौर पर क्रिएट करा गया और स्टेट मोनोपोली बना के कह दिया गया कि भाई तुम ही लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कोयले को, थोड़े बहुत नॉन कुकिंग ऑयल एक अपनी कमोडिटी होती है, स्टील कंपनीज कुछ थी उनको ही बस एग्जेम्पशन दिया गया, बाकी का जितना कोल था वो इनके पास चला गया। और ये जो आपका नेशनलाइजेशन हुआ था, ये हुआ था आर्टिकल 39B के हिसाब से, उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बेसिकली उसके हिसाब से, उसके स्पिरिट के हिसाब से था, उसके हिसाब से हुआ था कि हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उसको कॉमन गुड के हिसाब से बांट सके। और जो नेशनलाइजेशन एक्ट था उसको जब बनाया गया तो उसने वेस्ट करा राइट कोल माइन को, जो लेसीज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको बेसिकली दे दिया गया कि किस तरीके से आपको बांटना है ताकि आप एक साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव मैनर में कोल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट अपना कर पाओ, जिसको देना है जैसे देना है जो देना है वो कोल इंडिया डिसाइड करेगी। ये हो गया। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि सॉवरेन फंक्शन जो है भैया यहाँ पे कोल इंडिया कर रही है या फिर नहीं, दैट इज द मेन क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भैया ये जो फर्स्ट एपेलेंट है ना कोल इंडिया, यहाँ पे वो एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि फुल्ली फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल की जाती है। और यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी नोटवर्थी बात यह है, ये कोर्ट का डायरेक्ट एग्जर्प्ट है, तो ये प्लीज क्लैट पीजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लाइंस को थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से सुनिए। यहाँ पे कहा यह गया है कि इट इज नोटवर्थी दैट द लॉ गवर्नर मतलब पार्लियामेंट हैज टेकन केयर टू एक्सप्रेसली इंक्लूड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, अगर आपको याद होगा ऊपर वाले उसमें 2H में लिखा था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने लिखा है कि उसको सेपरेटली उसमें इंक्लूड करा गया विद इन द एम्बिट ऑफ द वर्ड एंटरप्राइज। और यहाँ पे ये चीज इससे ज्यादा क्लियर हो ही नहीं सकती थी कि जब आपका अलग से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्ड यूज करा गया है 2H के अंदर, उसके अंदर केवल वो एक्टिविटीज जो कि एक एंटरप्राइज के अंदर सॉवरेन फंक्शन, जैसे हम लोगों ने कहा ना कोई पार्टी अगर कर रही है, कोई वो अगर कर रही है, अगर सॉवरेन फंक्शन कर रही है तो वो कॉम्पिटिशन एक्ट के उससे बाहर है एम्बिट से, और अगर नहीं कर रही है देन इट इज इनसाइड द एम्बिट ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्लेन एंड सिंपल यही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। इसके आगे जो आपके एपेलेंट्स थे उन्होंने ये क्लियर करा कि बाय नॉट दे आर बेसिकली नॉट कैरिंग यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन, फर्स्ट एपेलेंट यहाँ पे एक डिपार्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट का, इट इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बट इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। प्लीज नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, इट इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी एंड इन फैक्ट इट इज इंक्लूड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द टर्म एंटरप्राइज, एंटरप्राइज की इससे ये एक्सक्लूडेड है, और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होने के नाते ये गवर्नमेंट फंक्शंस को कैरी ऑन कर रहा है। ये इसका जो बिजनेस है वो एक माइनिंग का बिजनेस है जो कि किसी भी स्ट्रेच ऑफ द एग्जामिनेशन के उसमें एट एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अ सॉवरेन फंक्शन, प्लेन एंड सिंपल, एंड देयर इज नथिंग इन द डेफिनेशन। डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है जो कि ये बोलता है कि भैया यहाँ पे हम लोग एक स्टेट मोनोपोली को भगा इसलिए देंगे क्योंकि वो यहाँ पे 39B के स्पिरिट के अंदर बनाई गई है। ये एक रीजन आप वायबल नहीं दे सकते कि स्टेट मोनोपोली है तो उसको हम कॉम्पिटिशन कमीशन को उससे हटा दें, इट विल नॉट सुपरसीड इट, प्लेन एंड सिंपल। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपका 39B का यहाँ पे गोल क्या है, बिकॉज अगर 39B का गोल होता कि वो कॉम्पिटिशन कमीशन के उसको हिंडर करे, क्या ऐसा है या फिर नहीं। ये देखिए जो कॉम्पिटिशन एक्ट है उसका क्या एम है कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स और प्रमोट कर पाए कॉम्पिटिशन इन इंडिया को, प्रिवेंट कर पाए एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को। सेक्शन 4(1) प्रोहिबिट करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंटरप्राइज या ग्रुप को, और जो डोमिनेंट पोजीशन होता है वो सेक्शन 4(2) में डिफाइंड है एज अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो कि एंजॉय करी जाती है एक एंटरप्राइज के द्वारा इन रेलेवेंट मार्केट, जैसे कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन करा। और ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है मेथड्स टू डिटरमाइन कि जो 19(4) में उसमें क्या होता है, और जो एपेलेंट्स हैं आपके इन दिस केस वो एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि क्रिएट करी गई थी नेशनलाइजेशन एक्ट के अंदर ताकि वो मैनेज कर पाए और सुपरवाइज कर पाए उन माइंस को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। और फर्दर उन्होंने यहाँ पे ये बोला, फिर देखिए ये एग्जर्प्ट है यहाँ पे केस का, इसको प्लीज थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। स्टिल फर्दर उन्होंने बोला यहाँ पे ये जो नेशनलाइजेशन एक्ट है उसका ये एम है कि वो आर्टिकल 39B के हिसाब से चले, कोल इंडिया को उसके हिसाब से बनाया गया ताकि जो मटेरियल्स थे उनको कॉमन गुड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, और ये जो एक्सक्लूसिव राइट यहाँ पे दिया गया है इन रिगार्ड्स टू माइन ऑल्सो गिव्स द पावर जो सुपरवाइज करने का माइंस है वो भी वेस्ट किया गया यहाँ पे फर्स्ट एपेलेंट कंपनी यानी कोल कंपनी के उसके सब्सिडीज के अंदर। और जो एम्बिट है इस पावर का वो बहुत ज्यादा वाइड है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो वाइड है कि आप माइंस भी अपना वो करिए वो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट वी जो कोर्ट है वो ये कह रही है कि वी प्रोसीड ऑन द बेसिस दैट एपेलेंट्स कैन नॉट बी ऑब्लिवियस टू द ड्यूटी, मतलब भले स्टेट मोनोपोली है लेकिन वो अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकते कि भैया आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो और ये जो कॉमन गुड है ना उसको अगर आप सबसर्व कर दोगे कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे, आपने एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर करना शुरू कर दिया तो कॉमन गुड का जो आपका एक गोल है उसको आप खत्म कर दोगे अगर आपने ये काम करा तो। वरना यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भैया देखो जो एपेलेंट का आर्गुमेंट है कि उनके जो यहाँ पे एक्शंस है उनको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू भी चैलेंज किया जा सकता था, बेसिकली उनका ये आर्गुमेंट क्या था, उनका आर्गुमेंट ये था कि भाई कॉम्पिटिशन कमीशन जो है एक फोरम नहीं है, वैलिड फोरम नहीं है जहां पे आप कोल इंडिया को चैलेंज करो, इसके लिए आप किसी और फोरम में भी जा सकते थे, एक आपका कोल का ट्रिब्यूनल होता है उसमें भी जा सकते थे, अदर फोरम्स भी थे वहां पे भी ये काम किया जा सकता था। कोर्ट ने उस चीज को डिनाई नहीं करा कि हाँ भाई ये हो सकता है, आप दूसरे फोरम्स में जा सकते थे, जो कंपनियां थी जिनके साथ यहाँ पे गलत हो रहा था वो जा सकते थे, लेकिन हाउएवर यहां पर जो एक्सेस थी रेमेडी की
अगर वो कॉन्ट्रवेंशन में है कॉम्पिटिशन एक्ट के, तो उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो डोमिनेंट पोजिशन होती है उसको अब्यूज जो होता है उसको रोका जा सके, एंड देयर फोर यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट के पास पावर है कोल इंडिया के ऊपर फाइन को इम्पोज करने की। ये केस का पूरा पूरा जिस्ट है आपका, कि यहाँ पे बेसिकली जितनी भी स्टेट मोनोपोलीज हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन कंपनीज हैं उनके ऊपर कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट, कॉम्पिटिशन का जो कॉम्पिटिशन एक्ट है वो लगेगा, अप्लाई करेगा। दैट वॉज द होल जिस्ट ऑफ द होल केस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लैट पीजी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलेट पीजी, जुडिशरी, जो भी एग्जाम है। तो अगर आपको ये केस समझ में आ गया हो देन डेफिनेटली प्लीज कमेंट नीचे बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए साथी में। अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप चैंपियंस कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।